रामपुर में गांधी समाधि के पास एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोग जमा हो गए। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और जेसीबी की मदद से 70 वर्षीय बुजुर्ग के शव को नाले से बाहर निकाला गया और उसकी पहचान की गई। बुजुर्ग 24 नवम्बर से घर से लापता था, जिसकी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। शव राजपाल त्यागी का था। बहरहाल पुलिस ने शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आजाद टीवी न्यूज के लिए रामपुर यूपी से रेखा रानी की रिपोर्ट। अखबार में भी दे रखा था, इसकी FIR भी करवा रखी। तुम तो फोटो देना भी आते थे परसों पहले रिपोर्ट वाली में। क्या मैं बता रहा था, 24 तारीख की शाम से राजपाल त्यागी गुमशुदा थे। घर से किसी सामान के लिए निकले थे, कुछ सामान दुकान से लेने। दिमागी स्थिति बहुत सही नहीं थी। सबसे हम ढूंढ रहे हैं। कितने दिन से गायब थे? 24 तारीख की शाम से। कौन है आप इनका? नवंबर। मैं इनका भतीजा हूँ। क्या नाम है इनका? राजपाल त्यागी। कितनी उम्र होगी इनकी? 70 प्लस होगी। कहाँ रहते थे ये? कैथफल यूनिवर्सिटी। 2 तारीख को राजपाल त्यागी के भतीजे सुमित त्यागी ने थाने पर आकर सूचना दी थी कि इनके चाचा 24 तारीख से लापता, उनकी डेड बॉडी नाले मिली है। सुमित त्यागी ने पहचान की है कि इनके चाचा थे। क्या लग रहा है आपको? इनकी दिमागी हालत सही नहीं थी, हो सकता अपने आप आकर। 70 साल उम्र थी, तो PM के बाद में ही पता लगेगा। बाकी कार्रवाई जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इनके परिजन ने शिनाख्त कर ली? हाँ, शिनाख्त कर ली। इनके भतीजे सुमित त्यागी ने शिनाख्त की, उनके चाचा की डेड बॉडी है। मैरिड थे, ये अनमैरिड थे, शादी नहीं।